हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। तो मैं आजकल सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन में नए विलास ला रहा हूँ, जो नए प्रोजेक्ट हैं। पुराने तो बहुत सारे मैंने कवर किए थे, उनमें से आज एक और लाया हूँ नया डायमंड विला। लोकेशन के हिसाब से देखो तो सामने मेरे कमर्शियल बन रहा है, उधर सामने वो स्कूल है जो यहाँ का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, रोड पे ये प्रोजेक्ट है क्योंकि रोड ये रही सामने, और ये पूरी बेल्ट इधर से लेके इधर तक सारे विलाज ही हैं लाइन में। और यहाँ पर विला, और अच्छी बात क्या है आप देख लो, सारे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये बजट है। मैं आपको प्राइस अभी बता देता हूँ, यहाँ पर 34,10,000 से प्राइस शुरू है। और मुझे पता है कि इस बेल्ट पे थोड़ा मिलना मुश्किल है जो बेल्ट, और जितनी पास में ये है बहुत मुश्किल है। तो एक और गज की बात करोगे तो आप लो, मेरे ख्याल यहाँ 62 गज से साइज शुरू है, भी डिटेल आ जाएगी कितने कितने साइज के हैं वो सौरभ जी के साथ मैं भी डिस्कस करता हूँ, और आपको एक विला घुमाता हूँ पूरा का पूरा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सौरभ जी, कैसे हो? मैं नमस्कार सर। नमस्कार, बढ़िया। तो गर्मी में घुमाते रहते हो। खैर, अभी जो प्रोजेक्ट पे आए हैं उसका नाम क्या है? डायमंड होम्स। डायमंड होम्स, लोकेशन? लोकेशन वही सेक्टर 10 वैदपुरा। सेक्टर 10 वैदपुरा, ओके। और डिस्टेंस फ्रॉम एक मूर्ति? वही सर, 4.5 किलोमीटर के आसपास। 4.5 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पर कितने कितने गज के मकान है? सर यहाँ पर 3 साइज है। फ्रंट की जो इन्वेंट्री है वो आपको 80 गज में मिल जाएंगी। अच्छा, फिर 72 गज की है। अच्छा, 62 गज है। 3 साइज आपको मिल जाएंगे, कुछ बड़े साइज भी हैं जो 115 गज के, वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसे भी हैं। अच्छा, तो रेट जो है सर 55,000 रुपये गज है बना हुआ सिम्प्लेक्स। 55,000 रुपये गज बना हुआ सिंप्लेक्स। जमीन भी आपकी, घर भी आपका, और 3 फ्लोर भी आपके। आने वाले फ्यूचर में आप चाहे तो बना सकते हैं। ये कितने गज का है? ये 80 गज का है। 80 गज का, ओके। गुरु जी साइड पे हो जाओ, वीडियो बनाने दो ना, लोग कहेंगे बीच में लोग आ गए। अच्छा, ये कार पार्किंग। अच्छा, यहाँ स्लैब स्लैब दोगे आप, पूरा एक एंट्री सड़क देंगे। ओके, चलो इधर से घुस जाते हैं, उधर से घुसेंगे तो यानी डबल एंट्री होगी ना एक तरह की। हाँ, ये भी रूम हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, लाइट भले नहीं है मगर रोशनी की कोई कमी नहीं है, जो नेचुरल वेंटिलेशन और लाइट होती है वो है यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप सही कह रहे हैं, बजट भी ला दिए सारे। अच्छा, एक वॉशरूम आप यहाँ बना के देंगे। सेमी फर्निश्ड मिलेगा, फर्निश्ड मिलेगा? ये मॉड्यूलर किचन होगी? ओके, तो यहाँ आप किचन दे रहे हैं, एक रूम आप दे रहे हैं यहाँ पर, ओके। ये छोटा रूम है थोड़ा, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है, साइज तो काफ़ी है इसका। रूम तो काफ़ी, साइज काफ़ी बड़े साइज का है। हाँ भाई, ये एक अच्छी बात होती है किसी भी रहने वाले जगह के लिए कि प्रॉपर हो वो चीज़। चलो सर जी, ऊपर चलते हैं ज़रा फटाफट। सिंप्लेक्स देखो दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा रोशनदान हम कह सकते हैं यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पर भी ये स्पेस है, इसे तो हम कवर कर सकते हैं ना स्पेस को। तो कवर ही होने है। और मतलब अगर कोई हल्की सी बाउंड्री अपने हिसाब से करना चाहे ऊपर, तो आपके ऊपर है ना, आप कितना खर्चा करना चाहते हो। हमने तो बोला 3 फ्लोर और बना सकते हो आप। हाँ, देखो पीछे सारा हाई राइज, चारों तरफ बसा हुआ है पूरा हाई राइज वगैरह। अच्छा, रजिस्ट्री वगैरह तो है भाई इसकी गुरु जी? पक्की रजिस्ट्री, मोटेशन, दाखिल, खारिज। ये कमर्शियल बन रहा सामने? हाँ सर, ये दुकानें हैं। ये बढ़िया बात है, बिल्कुल ही सामने पूरा कमर्शियल, वेरी गुड। खैर, सब कुछ आप दे रहे हो? हाँ जी सर। लोन? लोन सर वही जो GIC, आधार। ये वही क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ, ये मैं जब भी पूछता हूँ आपसे, मैंने अभी पूछा डिस्टेंस वही, फिर मैंने पूछा प्राइस वही। सर क्या करें, आपको सब पता है, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना उन्हें भी सब पता है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में किस तरह से लोन होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, फिर भी कई लोग पूछना चाहते हैं, उनको डिटेल तो हमें देनी है। सामने स्कूल है, फोन कर सकते हैं ना। हाँ, सामने स्कूल है, ओके। तो लोन वगैरह हो गया डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्स हो गए, रजिस्ट्री हो गई, ठीक है। प्राइस का क्या रहेगा इसका, स्टार्टिंग कहाँ से है? सर 55,000 रुपये गज है। अब 55,000 रुपये गज, 6×5=30, मतलब कोई एक छोटा मकान कितने लाख का? हमारे पास ना 62 गज का एक घर है बना बनाया, मतलब इससे शुरू हो रही है साइज आपकी। साइज शुरू हो रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा 34,10,000 का। 34,10 में वो मिल जाएगा,
सेमी फर्निश्ड। हाँ नहीं इतने में तो यहाँ पे इस टाइम मुझे लग रहा है भी नहीं कोई, नजर भी नहीं आ रहा मुझे कहीं पे। 62 गज का। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऊपर तो बना सकते हैं ना एक आध फ्लोर? चार फ्लोर तक आप बना सकते हो। चार फ्लोर तक हम बना सकते हैं, चलिए ठीक है। मीटर होता है कंस्ट्रक्शन करने का जो क्राइटेरिया, 15 मीटर है। 15 मीटर में आप 4 बनाए 3 बनाए वो आपकी सहूलियत है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आपने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच।